अभी के लिए यहाँ पर हम बात करें टीम एनटीटी की, एक फाइट हमें देखने को मिल सकती है। टीम फैंग का एक खिलाड़ी उनके जस्ट पास में, वो नॉकआउट हो चुका है और अभी के लिए उसका एलिमिनेट मतलब उसका कंफर्मेशन के लिए जा जरूर है, लेकिन थोड़ा संभल क्यों, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बैकअप फायर भी उसके पास मौजूद रहेगा उस खिलाड़ी के पास। फर्स्ट ब्लड ऑफ द मैच जो था वो जी गॉड के नाम आया, पहला किल सिक्योर कर चुके हैं, पहला फिनिश सिक्योर कर चुके हैं। इमॉर्टल की अगर आप बात करेंगे तो ये अपने मिनास के ड्रॉप पर है और कुछ रोटेशन जारी है। आई थिंक जिस एरिया पर ये उतरे थे वहां से डिसेंट लूट तो मिल गई। अभी इस गाड़ी का एक्सीडेंट किया जाएगा, वाइपर की गाड़ी को सीधा किया जाएगा और एक बार फिर से रोटेशन किया जाएगा अपने डायरेक्टली ड्रॉप तक जाने को। और पिछले मैच की तरह गेम्सो एक बार फिर से रेड आउल की टीम अर्ली चैलेंजेस में इन्वॉल्व है। वो भी मैं देख रहा हूँ दो दो खिलाड़ी यहाँ पर नॉकआउट हो रखे हैं, सीरवी एंड वाशु के रूप में, तो अगर इनको बचना है तो जितना भी हो सके रिवाइवल देना पड़ेगा। लेकिन नेडेक की टीम शायद मेरे ख्याल से मौका नहीं देना चाहती, वीरू को शायद आगे बढ़ जाना चाहिए था। क्या लगता है, थिंकिंग पीछे हटने की सही है कि नहीं अभी के लिए? ये इनवाइट कर रहे हैं, जब आप अकेले हो जाते हो आपके पास नंबर एडवांटेज नहीं रहती है, तो बेटर ऑप्शन यही रहता है कि आप इनवाइट करो कि आप मुझ पर अटैक कर लो, क्योंकि आपके पास एक टीपी पे एंगल रहता है। अब प्रीनेट्स तो वीरू ने कर दिया, हाथ में वेपन है सिर्फ एक शॉटगन, क्या नॉक कर पाएंगे? जी हां कर पाएंगे, क्योंकि नाम में ही वीरू है और ये वीर है, ये कहीं ना कहीं हार ना मानने वाला खिलाड़ी है। शॉटगन थी, M4 भी थी, ओके तो कॉन्फिडेंस देखिए आप अपने वेपन्स के ऊपर किस तरीके से ये खिलाड़ी दिखा रहे हैं। 420 ओपी यहां पर रीइंफोर्समेंट करेंगे या फिर रिवाइव के लिए जाएंगे, वो भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस फाइट के अंदर। भी जो किल है मतलब जो फिनिश है वो निकल सकता था, 420 ओपी ने भी वही चीज करके दिखाई है। लेकिन नीडेक्स की अगर हम बात करें शायद इनको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जितना डिले दिखा रहे उतना तो समय मिल जाएगा उनको अपने आप को रिकवर करने का। और देख सकते हैं आपके सामने वो चीज होती हुई नजर आई, मुन्ना ने कोशिश काफी अच्छी करी लेकिन ऑफ गार्ड होने की वजह से उनका वहां पर हमें नॉकआउट देखने को मिला और शायद कंफर्मेशन भी देखने को मिल जाएगा। अब आखिरी खिलाड़ी मुझे लग रहा है शायद अंतरयामी ही यहाँ पर बच रखे हैं, काफी एक वेल नोन एक स्ट्रीमर है, बेशक देख सकते हैं एक प्रोफेशनल खिलाड़ी उतने नहीं है बट स्टिल काफी एक बड़ी प्रोफेशनल टीम को काफी अच्छी टक्कर दी है इनकी टीम ने। आई थिंक बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा कंपटीशन रखा गया है एंड थोड़ा सा यहाँ पर मैं करेक्शन करना चाहूंगा गेम्स, ही इज नॉट द लास्ट मैन स्टैंडिंग, अभी टॉक्सिक कैप्टन भी है इनके साथ, अगर सही टाइम पर पार्टिसिपेशन मिल जाए दोनों ही की तरफ से तो मौका बन सकता है। बट अंतर्यामी को नॉकआउट कर दिया है, तो पहला फिनिश ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं रेड आउल की लाइनअप एंड देयर वाज अ टाइम जब दो दो प्लेयर्स नॉकआउट थे, रिवाइवल मिल गया, स्पॉट किया यहाँ पर एक और खिलाड़ी को, एंड आई थिंक अगर वो ग्लिच नहीं होता तो इन्फॉर्मेशन रहती कि वो प्लेयर नॉकआउट है या नहीं, बट वो नॉकआउट है और मुन्ना यहां पर अभी के लिए फिनिश ऑफ कर दिए जाएंगे। दूसरा फिनिश सिक्योर यहां पर करते हुए रेड आउल के सीर भी, और एक खिलाड़ी बचेगा जो शायद अपनी पोजीशन रिवील नहीं करना चाहता। इसकी तरफ एक बार मैं थोड़ी सी नजर यहां पर डालना चाहूंगा, बड़ा एक्साइटिंग मुकाबला बना हुआ यहां पर ब्लाइंड की तरफ, क्योंकि SMGs का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर कैरी कर चल रही है। अभी बार की तरफ से ग्रेनेड आया जो कि शायद डिफ्लेक्ट होकर वापस चला गया, बट अब इनवाइट किया जाएगा टीपी के एंगल पर थे प्लेयर्स, बट बावजूद उसके यहां पर चुके हैं फिनिश ऑफ। ज़ोडियक की अगर आप बात करेंगे तो टॉमी गन हाथ में है बट सर पर हेलमेट नहीं है, टॉप फ्रैगर के पास भी यहां पर एक SMG है, लेवल 3 का हेलमेट है, शायद यहां पर आगे अग्रस कर देना चाहिए। जब वहां पर हमें फाइट देखने मिलेगी तो वहां पर भी हम जरूर बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच नोवा किंग का हमें एक नॉकआउट देखने को मिल रहा है यहां पर। बिल्कुल ब्लाइंड के विलियम्स अभी SMG के साथ आगे बढ़ रहे, UMP है इनके हाथ में और मुझे अंदर से एक अच्छी गट फीलिंग है कि ये ओपनिंग निकाल सकती है, ये नॉकआउट हो सकता है। स्पॉट किया यहां पर बट कहीं ना कहीं उतना डैमेज नहीं दे पाए जो फिनिश कर पाए, नॉक कर पाए, काफी ज्यादा अच्छा अग्रेशन था, यू नो स्ट्रेटजी अच्छी थी बट वो स्मोक ने बचा लिया, जो विजिबिलिटी ब्लॉक्ड थी उसको काफी अच्छे तरीके से यूज करा है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं देखिए कांच लग चुकी है इन विंडोज पर पिकार्डो की, आई थिंक अरीना के रीजन पर, और थोड़ा सा ऊपर चढ़ने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं जो कि अब शायद उतना आसान लग नहीं रहा, पहले यहां पर काफी आसानी से चढ़ जाते थे, अब कुछ चेंजेस आए हैं यहां पर। टीम स्मोकी की अगर आप बात करें तो ये एक और ऐसी लाइनअप बन जाती है जो अग्रसर अपना जरूर से दिखाना चाहेगी। अर्ली रोटेशंस टीम सोल की बहुत अच्छी है, अभी भी हम कुछ ऐसा ही देख पा रहे हैं जो हमने पिछले मैच में भी देखा था कि सेंटर होल्ड करा था उन्होंने, एक बार फिर से उधर के लिए जा रहे हैं। सांगवान ने एक ओपनिंग निकाली जरूर थी बट ट्रेड में इन्हें भी नॉक कर दिया जाएगा, क्या खतरनाक ट्रैप था यहाँ पर ये टीम बीटी का, एक प्लेयर सामने से बेट करा, उन्होंने अपने ऊपर ट्रांसफर करवाया सारा एम और जो प्लेयर दूसरी एंगल पर खड़े थे उन्होंने दो प्लेयर्स को नॉक करा, एक अपने लिए फिनिश सिक्योर करा। बट अब बारी आ जाती है बीटी राणा की, जो बीटी की टीम से जो खेल रहे हैं अभी, शायद अगर देखिए एक नॉकआउट करते अपने आपको पीछे धकेलते तो बेस्ट रहता और जी हाँ कवर में जाना चाहिए था, बट वो आगे गए थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव पीक करा जिसकी वजह से उनको नॉकआउट देखने मिला। बट अच्छी बात ये है कि यहाँ पर रिवाइवल उनको मिल जाएगा एंड शायद अगर हम बात करें सांगवान की
मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था उनको कि इस तरह से खिलाड़ी आ जाएगा, उनका नॉक एंड फिनिश ऑफ ही करेगा सीधा। आई थिंक सांगवान ने सांगवान तो अपने मेरिट्स पर काम करा। यस सर, जी सांगवान ने ही वाज। जी हाँ, उन्होंने क्या करा, जैसा आपने कहा था कि उन्होंने एक नॉक करा और वो कवर में जा रहे थे, बट बिल्कुल उनको आइडिया नहीं था। फाइनली यहाँ पर रेड आउल के जो मजिक है इनकी लाइनअप को मिलेंगे यहाँ पर तीन बढ़िया फिनिश पॉइंट। चौमासेरा का ये एरिया है जो बीबीएस ने अपने नाम कर लिया है, बट इस एरिया पर अब बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा क्योंकि ये जोन के बाहर है, तो जल्दी से व्हीकल्स उठानी पड़ेगी, जाना पड़ेगा लॉस लियोनस की तरफ या फिर टीम जोन के एरिया पर। बिल्कुल जोन के सेंटर में मीनबल रेड आउल की फाइट एक बार फिर से यहां पर निकल कर आ चुके हैं, चार फिनिश पॉइंट्स इनके पास ऑलरेडी है। 420 ओपी की बात करें तो M4 विद दैट 4x फिनिश लुकिंग वेरी अग्रेसिव आउट देयर, तीन फिनिश पॉइंट्स इनका इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचा जो कि जोन के बाहर है, स्पॉट आउट कर चुके गेम जोन को, कवर के पीछे यहां पर आराम से हील करेंगे, स्पॉट कर चुके हैं, आई थिंक ये वाला फिनिश भी सिक्योर कर ही देंगे। इट्स लाइक अ वॉक इन पार्क, इट्स गोना बी रियली इजी फॉर टीम रेड आउल टू गेट द फाइनल ब्लो फ्रॉम देम एंड इंक्रीज देयर फिनिश पॉइंट्स, इवन दो दे सेवन, बट ये काफी आइडियल स्टार्ट है। इफ यू रिमेंबर गेम्स हो, आई थिंक मैच स्टार्ट होने से पहले मैंने जरूर ये चीज रखी थी कि पिछले मैच में रोटेशन में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ था, बट इस बार देखिए आप क्या बढ़िया गेट कीपिंग सिनेरियोस को कंटिन्यू कर रही है, कितने अच्छे तरीके से आठ फिनिशेस के साथ ये अच्छी स्टार्ट दिखाई है टीम रेड आउल ने। वहां पर अब कॉर्नर्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, क्या शोर को होल्ड करना थोड़ा सा बेनिफिशियल रहने वाला है। मीनवाइल कार्टून की अगर आप एक्शन की बात करें तो स्कारल इनके पास है, स्मोकी की हेल्थ काफी ज्यादा कम है, रेगल टॉस विद दैट एसकेएस एंड ट्राइंग टू टर्न आउट फ्यू एडिशनल फिनिश पॉइंट्स, जहां पर काफी सारे प्लेयर नॉकआउट्स हैं, इवन मोर्टल इज द वन जो डीएमआर एक्शन में काफी इंटरेस्टेड है, अमन अपनी M4 के साथ ऑफ गार्ड एंगल पर है, ये देखिए जितने प्लेयर्स नॉकआउट्स हैं, शायद थर्ड पार्टी करने का इससे बढ़िया चांस नहीं मिल सकता टीम सोल को। बिल्कुल एक्सकैलिबर का वहां पर लाइनअप है, वहां पर फाइट हो रही है टीम स्मोकी की, और इसका फायदा टीम मोर्टल यानी टीम सोल के खिलाड़ी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और डीएमआर है तो उसका क्यों इस्तेमाल क्यों ना करें, क्योंकि उसमें ही एटैक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपको सिक्स एक्स वगैरह नहीं मिलते ना तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अभी के लिए स्मोकी यहाँ पर काफी ज़्यादा डेंस स्मोक क्रिएट कर रहे हो ताकि जो टीम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक्सकैलिबर उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड ना कर पाए। अब ब्रेगल टॉस मीनवाइल एमके के साथ, एक मिनट यहां कुछ और हो रहा है, अभी इनके पास एसकेएस थी एंड ओके, तो यहां पर एक एयर ड्रॉप था जिसको अभी लूटा है, फ्रेश लेवल 3 के जो इक्विपमेंट्स है वो मैं देख पा रहा हूं रेगल टॉस के पास, इसका मतलब एसकेएस को ड्रॉप करके एमके 14 की तरफ गए हैं, और साथ में ग्रोजा भी है, तो क्लोज रेंज और यहां पर मिड रेंज दोनों ही के बीस्ट लीथल वेपन्स रेगल टॉस के पास आ चुकी है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर अगर कुछ मिस हो रहा है गेम्स हो तो वो थी रेड आउल का सिनेरियो, किल फीड के अंदर सारी एक्टिविटी वहां पर दिख रही थी, और मेरे हिसाब से रेड आउल के खाते में दो और फिनिशेस आए हैं, बट वो टीम एलिमिनेट हो चुकी है। मीनवाइल फेथ के रोज की बात करें तो ये जो ओके, तो रेड आउल की टीम अभी सरवाइव कर रही है, बट वो कॉर्नर्स पर एक आधा प्लेयर वहां पर जरूर से उन्होंने खोया है, किल फीड में थोड़ा सा डिले भी आ जाता है कई बार, बिल्कुल जोन के कॉर्नर पर एंड जंक पर मैं देख पा रहा हूं वीर वॉर 420 बचे हुए हैं। ये इतना अमेजिंग मैच चल रहा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। रेगल टॉस थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि किसको यहां पर किल करें, बट टाइटन रेड के पास और M249 है और उसके पास, इस तरह से अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट यही देखने मिलेगा। अल्फा जरूर आए हैं यहाँ पर, बट मेरे ख्याल से शायद बचने में कामयाबी उनको मिले, लेकिन ये कई मेरे ख्याल से तीस थर्ड पार्टी के द्वारा वहाँ पर फिनिश ऑफ किया गया उनको, अल्फा चलती गाड़ी से वहां पर फिनिश ऑफ होकर जो लास्ट मैन स्टैंडिंग था वो ऑटोमेटिकली वहां पर फिनिश ऑफ हो गए। हाइड्रा के रात को पड़ा, मोर्टल का डैमेज जगह पर पड़ी, जो इनका ट्रेंड था वो अब यहां पर अभी के लिए ऑन पॉइंट जाता हुआ, जैसे कि मैंने कहा था गेट कीप करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, और फिनिश करने के लिए मोर्टल का एक ग्रेनेड आएगा जो हाइड्रा रात को फिनिश ऑफ कर पाएगा या नहीं। सामने ग्लाइडर भी है, उसको शायद यूज नहीं करेंगे, मोर्टल अपनी व्हीकल को यूज करेंगे, ट्रक वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। हाइड्रा के न्यूक्लियर यहां पर एक आखिरी खिलाड़ी बचे हैं जो सैंडविच सिचुएशन में, वो भी सोल और एंटिटी के, अभी सोल से बचकर आए थे और सामने एंटिटी का खतरा आ गया इनके ऊपर। बिल्कुल अभी के लिए बात करें, न्यूक्लिया इज द लास्ट प्लेस स्टैंड, लास्ट मैच स्टैंड, कोशिश तो कर रहे हैं जरूर अपने आप को हाइड करने, क्योंकि सामने एक टफ चैलेंज आने वाला है एनटीटी के रूप में, और मेरे ख्याल से शायद उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्लच गॉड जाएंगे एंड उनका एक इजी किल निकाल सके, क्योंकि UMP-45 एक डेडलीस्ट वेपन साबित होता है जब आप इतना क्लोज रेंज से फाइट करते हैं, और देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट भी वही आया। मेरे ख्याल से क्या थॉमसन थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद थॉमसन से उन्होंने फिनिश ऑफ करा, यानी SMG, कोई भी SMG ले ले आप क्लोज रेंज में, अगर एक्यूरेसी आपकी बेस्ट है तो आप इजी किल निकाल सकते हैं। सोल भी यहाँ पर इनिशिएट हो चुकी माय वे, जिसका इंतजार कर रहे थे पिछले गेम में लेकिन हो नहीं पाया था, लेकिन मेरा मार्क मैप में वो हमें विटनेस करने को मिल रहा है, टीम एंटिटी वर्सेस टीम सोल।
गाइस आप लोग यहां पर अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध सकते हैं क्योंकि असली पावर पैक रिएक्शन की जो जहाज है वो उड़ने वाली है। इट्स टीम एंटिटी वर्सेस टीम सोल। अमन इज द वन विद दैट M4 एंड लाओ दिस इज द विजन। जोन के कॉर्नर पर कौन अपना एरिया डिफेंड करने वाला है? जी गॉड कमिंग अप विद द ग्रेनेड। ओपनिंग कहां से निकलने वाली है? इधर से रेगल टॉस ग्रेनेड कर रहे हैं, उधर से जी गॉड ग्रेनेड कर रहे हैं। रेगल टॉस कमिंग अप विद द मोलोटोव एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर दैट ओपनिंग। गया जरूर से क्लच गॉड को मोली का डैमेज लग रहा है। आग जरूर लगी है बट वो सीने में नहीं है। रिवाइवल यहां पर नहीं चाहिए, सिर्फ हील करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि आराम से रेगल टॉस ने दे जरूर दिया है। बात करें अगर मॉर्टल की तो थोड़ा सा पीछे है, काफी ज्यादा पीछे आई थिंक। पार्टिसिपेट करने के लिए जल्दी से ट्रकमैन के सेल्फ स्टार्ट करनी पड़ेगी और सीधा यहां पर अपनी हाजिरी देनी पड़ेगी। मीनवाइल ओपनिंग नहीं मिली है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि किसका वो पहला नॉकआउट होगा इस TSM एंटिटी वर्सेस टीम सोल की फाइट के बीच में। वाओ यहाँ पर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, लेकिन जैसे ही माई बोल रहे थे कि अभी तक ओपनिंग नहीं मिली है तो उसका इंतजार यहाँ पर जरूर करना पड़ेगा। रेगल टॉस ने प्रेशर जरूर बिल्ड करने की कोशिश करी बट मुझे लगा था कहीं ना कहीं टीम्स का डिसीजन यही है कि पहले जोन की तरफ प्रायोरिटी दी जाए, उसके बाद फाइट के लिए आगे बढ़ा जा सके। बट अभी के लिए इस एंगल से मुझे यहाँ पर देखने मिला शायद यहाँ पर डैमेज देखने को मिल रहा है। और अब जॉनेथन यहाँ पर मेरे ख्याल से एक नॉकआउट जरूर निकाले, लेकिन उनकी भी HP डाउन होगी। अमन उनका नॉकआउट निकालेंगे एंड शायद मेरे ख्याल से काफी लेट कहीं हो ना गया यहाँ पर एंटिटी के लिए। आई थिंक यहाँ पर टीम सोल के रेगल टॉस ने जो अपने रूल को जस्टिफिकेशन दी है वो काबिले तारीफ थी। मॉर्टल विद दैट ऑफ गार्ड एंगल, लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम TSM एंटिटीज क्लच गॉड। अब यहाँ पर अपने नाम को बैक करना पड़ेगा क्लच गॉड को। अगर यहाँ से क्लच आउट करते हैं तभी शायद यहाँ पर सेव कर पाएंगे। रेगल टॉस इधर से उधर से क्लच गॉड, 1v1 की फाइट रहेगी। नियो की तरफ स्मोक ग्रेनेड्स किए जा रहे टू गेट दैट रिवाइवल डन, बट मॉर्टल भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्पॉट जरूर कर चुके हैं क्लच गॉड को, वो सेंस मिल चुका है, वो इन्फॉर्मेशन मिल चुका कि रेगल टॉस पीछे से डैमेज देने के लिए इनकी तरफ आ चुके हैं। बट क्लच गॉड इज नाउ एक्चुअली डिसएंगेजिंग एंड अलाउइंग हिम टू चेस हिम। स्पॉट यहां पर जरूर से किया था एंड अमन कमिंग आउट ऑफ नोवेयर बैंग ऑन दैट एंड दिस वॉक्स इन फॉर टीम TSM एंटिटी सोल। मॉर्टल सोल रेगल टॉस और अमन तीनों यहां पर बच गए और बीच में राहुल की टीम भी आ गई। ओके वीरू भी यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए आ चुके हैं। मॉर्टल की HP बहुत ज्यादा कम है, कॉर्नर पर ये फाइट बड़ी जबरदस्त निकल कर आ चुके हैं। वाइपर वहां पर कॉर्नर पर जरूर से मौजूद है। स्पॉट यहां पर कर लेंगे 420 OP को। क्या यहां पर लिमिटेड डैमेज दे पाएंगे क्योंकि बहुत कम की वहां पर दरकार थी। चारों प्लेयर्स की मैन एडवांटेज को बरकरार रखते हुए टीम सोल के पास 7 फिनिशेस आ चुके हैं। रडाउल का सिर्फ वहां पर 2 खिलाड़ी बचे हैं एंड कितनी खूबसूरती से एंटिटी को यहां पर फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। मॉर्टल विद दैट ग्रेनेड डिस्पाइट विद द डिसाइडर ओपन इफ इट डस सम डैमेज, बट वीरू एक डिफरेंट ऑफ गार्ड एंगल पर है। आई थिंक वहां पर गेम जोन उन्होंने चाहा कि वो शायद शैक के अंदर है बट वीरू शैक से बाहर आ चुके हैं। अब मॉर्टल एक बार फिर से एक थर्ड आई कुक्ड ग्रेनेड करने वाली है जो शायद यहां पर थोड़ा सा डैमेज देगा, बट नहीं वीरू अभी भी उस ग्रेनेड से बच जाएंगे। बट यहां कुछ और हुआ, वाइपर और रेगल टॉस की ये जोड़ी टीम रेड आउल को भी कर दी कि एलिमिनेट। तो टीम सोल का डोमिनेशन यहां से हो चुका है शुरू। गेम प्ले अभी के लिए चलता हुआ नजर आ रहा है टीम सोल की तरफ से। आई थिंक इनके पास ना सिर्फ फिनिशेस है, जोन की एडवांटेज देखिए आप कितनी बढ़िया है। बैक क्लियर है, जिसने आना है सामने से आना है, चाहे तो पूरा ट्रैप बना सकते हैं। ये देखिए टीम सोल की पोजीशनिंग देखिए, सर्कल के 2 प्लेस के कॉर्नर पर, और वो जो फ्लैंक देखिए आप, कॉर्नर से गाड़ी जा रही है जो सारी पोजीशनिंग को एक्यूरेटली रिवील करने वाली है कि कहां कहां पर कौन से प्लेयर्स है। मीनवाइल अब इनके अलावा बाकी फाइट्स होंगी। वाइपर इज द वन विद द डैपर वर्सेस ब्रेडर सिक्सर बाई गॉड गोस आउट, बॉय डैश गोस आउट। चेवा जॉर्ड को भी यहां पर स्पॉट कर लिया, क्या फिनिश सिक्योर कर पाएंगे? 10वां फिनिश यहां पर टीम सोल के नाम आ सकता था। नीचे जितने भी प्लेयर्स बचे हुए सब की HP कम है, मोस्ट ऑफ देम आर आउटसाइड द जोन एंड दिस वाज समवन आई वाज टॉकिंग अबाउट जो आई थिंक वापस स्काउटिंग करने के लिए एक डिफरेंट एंगल पर गए। चिकन डिनर है टीम सोल को यहां पर, अभी कोई गलती नहीं करनी है, मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल भी नहीं है और मेरे ख्याल से ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं होने वाला गेम्स है क्योंकि नंबर एडवांटेज भी इन्हीं के पास है, जोन एडवांटेज भी है, हायर ग्राउंड भी इनके पास है और सबसे बड़ी चीज रेगल टॉस नाम का खिलाड़ी जिसके नाम 5 फिनिश ऑफ आ चुके हैं और साथ में एक MK14 गन है। आपस में ही वहां पर फाइट चल रही है और इट्स गोना बी अ लॉट मोर इजी फॉर टीम सोल फॉर द सेकंड। बहुत ही जैसे अपने माई बोला है कि अब इतना आगे तक पहुंच गया और यहाँ से अब पीछे नहीं हटना है। वॉकआउट्स के कुछ खिलाड़ी अगर आप शायद मुझे लग रहा है शायद वॉकआउट्स है या फिर दूसरी टीम है बट स्लॉट नंबर 7 में जो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं उनका बिल्कुल आप बोल सकते हैं निशाना में आ चुके हैं। मॉर्टल यहाँ पर कुछ ना कुछ कमांड उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉल आउट दे रहे हैं यहाँ पर कि कौन कौन से खिलाड़ी कहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ते हुए रेगल टॉस बिल्कुल तैयार एंड टीम नंबर 15 की भी खिलाड़ी यहाँ पर है। इनिशिएटिव इस फोटो थोड़ा सा उनसे भी संभल के रहना पड़ेगा, थर्ड पार्टी अंजाम ना दे वो लोग।
बट गेम्स जोन के बाहर जाकर मार रही है सोल। रिमेंबर द नेम, रिमेंबर द ग्राइंड। ये स्क्रिम्स है, यहाँ पर प्रैक्टिस करेगी मॉर्टल का एक ग्रेनेड जो जीवा जॉर्ड की जीवा को भी खेले यहाँ पर रोक जरूर देगा। रिवाइवल दिस टाइम नॉट एट ऑल पॉसिबल ब्रो, आपके दरवाजे पे टीम सोल कड़ी है। एंड सन धानु, ये तो वही खिलाड़ी है जिन्होंने कल बुमराह से मचाया था, बट आज शायद उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। आज यहाँ पर कोई वाटर हैक नहीं लगेगा दोस्त, बट कहीं ना कहीं ड्रैगन टॉस यहाँ पर आने जाने वाले है। ये आखिरी खिलाड़ी रह सकता है, जोन का डैमेज मिलेगा अब टीम सोल को, क्योंकि इन्होंने डिसीजन लिया कि हम जोन के बाहर जाकर अटैक कर आएंगे। क्या ये किल जोन को जाएगा? जी हाँ, ये किल जोन को जाने वाला है, ये फिनिश जोन को जाने वाला है। बट वाइपर हो चुके हैं नॉकआउट जोन के बाहर, एक और खिलाड़ी है, मैच हैज एंडेड, कोई कैजुअल्टी नहीं है टीम सोल के पास। एंड लुक एट द नंबर ऑफ फिनिशेस दे आर हैविंग, द वेरी फर्स्ट चिकन डिनर ऑन स्काई स्पोर्ट्स इनविटेशनल स्क्रीम्स, मीरामार का ये मुकाबला एंड चिकन डिनर फॉर टीम सोल।